नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हमारे साथ में एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है वर्षिका। ये तकरीबन 6 साल की बच्ची है। इस बच्चे की जो लेफ्ट साइड में प्लफोर था, इसकी जर्नी जो है मैं स्पेशली इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने जो इस जो सहा है वो बहुत ही पेनफुल जर्नी है। इस बच्चे के साथ में क्लबफुट था, इस बच्चे को पहले इलाज चला इसका बिकॉज ऑफ सम बैड इंसिडेंस, वो रिलैप्स हो गया। अभी बच्ची पूरी तरह से ठीक है, अपने सारे एक्टिविटीज कर रही है, खेल रही है, कूद रही है, नाच रही है, अब नॉर्मल स्कूल में जाती है, सारे बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ खेल पाती है। इस बच्ची का वीडियो में आपको ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन की बात भी आपका शेयर करूँगा, आप पहचान भी नहीं पाएंगे बच्चों को भी प्रॉब्लम थी। बेसिकली क्लबफुट पूरी तरह से ठीक हो जाता है चाहे वो कैसा भी हो, बस थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। इस हमारे साथ में वर्षिका की फादर हैं, मदर हैं, एक छोटी सी प्यारी बच्ची है। तो ये दे विल शेयर देयर स्टोरी कि उनके साथ में क्या हुआ। बच्चे को क्लबफुट था, इसका इलाज उन्होंने कराया, उसके बाद में एक बैड इंसिडेंस हुआ, उसके बाद रिलैप्स हुआ। उस इंसिडेंस से बच्चे ने क्या टॉर्चर किया, बच्चे ने जिले। जी नमस्ते, मेरा नाम वरुण कुमार अग्निहोत्री है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और मेरी बेटी वर्षिका 6 साल की है और इसको भाई बचपन से ही लेफ्ट लेग में सीटीवी था और जब ये जन्म लिया तो तभी हमको डायग्नोज करके डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है। उस समय तक तो हमको सीटीवी के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन बाद में हमने जब इसके बारे में पढ़ा और सुना, देखा नेट्स पे, तब मालूम चला कि ये सीटीवी की प्रॉब्लम होती क्या है। फिर डॉक्टर्स, मैं इलाहाबाद में था तो वहां पे मुझे जो डॉक्टर्स मिले मैं उनके कंसल्ट में रहा। इसको शुरुआती दौर में कुछ प्लास्टर बंधे, 4 से 5 इसको प्लास्टर बांधा, उसके बाद इसका 6 महीने पे वहां पे ऑपरेशन भी मैंने कराया। फिर जब मैंने वहां देखा तो ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चे को पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ, बच्चा मेरा चलने तो लगा साल भर में, लेकिन कभी ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरा बच्चा सही तरीके से चला। मन में एक बात थी कि नहीं, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, ये सही नहीं चल रही है। फिर उसके बाद मैंने इसको कानपुर में दिखाया, फिर मैं इसको लेकर के जगह जगह जो जो जैसे जैसे मुझे मालूम चलता गया मैं दिखाता रहा, तो इलाज इसका कंटिन्यूएशन में चलता रहा। 2019 में एक हादसा हमारे घर में हुआ जिसमें कि मेरी ये बेटी वर्षिका, मेरे फादर और बर्न, मेरे घर में छोटे हादसे में आग लग गई थी तो इसको बर्न इंजरीज हो गई थी। ये 40-50% बर्न हो गई थी और इसका दोनों पैर, एक हाथ और चेहरा सब जल गया था। तो उसके बाद मतलब इसका सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने इसका इलाज वहां पे कराया, इलाहाबाद में ये एडमिट रही और इसका जो है ट्रीटमेंट चला बर्न का, और ये डे बाय डे कॉन्ट्रैक्चर जो था पैर का वो बढ़ता ही गया। जो सीटीवी थी वो इस लेवल पे पहुंच गई कि पैर जहां पे हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आके रुक गया। तो अब उसके मैंने जब इसका बर्न का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, ये सर्वाइव कर सकी, ये हम लोगों के साथ आ सकी, तो उस पीरियड में 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद जब मैंने देखा तो इसका पैर फिर उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमको डे 1 से स्टार्ट करना था। और सिचुएशन ये आ गई थी कि जो जूता इसको हम लोग पहनाते थे वो जूता भी ये प्रॉपर नहीं पहन पाती थी, जूते के लिए भी हम लोगों को मतलब 10 से 12 मिनट बाद कहती पापा हमको दर्द हो रहा है, जूता उतार दो। फिर मैंने बहुत ढूंढा, बड़ा जगह गया, कहीं कहीं तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी मिले, कुछ ऐसे जगह भी मिली जिन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चा चल नहीं पाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन ऐसा जो है मुझे डॉक्टर्स ने कहा। मेरी वाइफ कभी कभी नर्वस हो जाती थी, मैं कभी कभी नर्वस, लेकिन हमारे पास भगवान का भरोसा था कि नहीं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो हमको आसरा मिलेगा। फिर मैंने अपने जगहों पे सर्च किया तो मुझे मालूम चला, डॉक्टर नरगेश अग्रवाल का नाम मुझे मालूम चला कि मॉडल टाउन एरिया में ऐसे ऐसे क्लिनिक है चाइल्ड ऑर्थोपेडिक की जहां पे छोटे बच्चों का इलाज सीटीवी का होता है, संभव है। तो मैंने एक उसमें होकर के फिर मैं इलाहाबाद से मैं आया, डॉक्टर साहब से मिला, अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैंने डॉक्टर को अपने बच्चों को यहाँ पे दिखाया।
दिखाने के बाद जब मुझे डॉक्टर साहब ने देखा तो कुछ कमियां थी मेरे इलाज में, उन्होंने उसको भी पॉइंट आउट किया कि नहीं आपको ऐसी ऐसी कमियां हैं, ये चीजें हैं, बताया, उसको मैंने सुधारा। फिर इसका हम लोगों ने यहाँ पे एक शुरुआती दौर में 3-4 डॉक्टर ने प्लास्टर बांधे, एक छोटा ऑपरेशन किया और आज जो है भगवान के आशीर्वाद से एक चमत्कार के रूप में मैं आपको सब लोगों को बताना चाहूंगा, एक चमत्कार हुआ है जिससे कि मतलब मेरा बच्चा आज आप वीडियो में देखिएगा भी ना ही केवल चल सकता है, अपने पैर पे चल रही है और अपना जो है काम खुद कर सकती है। मैं फादर मदर होकर के आपको बता नहीं सकता जिस तरीके से मेरे बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया है। आज ये नॉर्मल बच्चों की तरह चलती है, नॉर्मल बच्चों की तरह जो है अपने सारे काम करती है। तो मैं एज ए फादर और मदर, हमारे लिए तो भगवान तो हम लोगों ने नहीं देखा, हमारे लिए डॉक्टर नरगेश अग्रवाल एक भगवान के रूप में सामने आए और हमारे बच्चे को इस लायक ये कर सके कि हमारा बच्चा आज ये जो है चल सकता है और सारे काम जो नॉर्मल चाइल्ड कर सकता है वो मेरा बच्चा भी कर सकता है। इसके लिए हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब को और बहुत ही हृदय से मैं आभारी हूँ डॉक्टर नरगेश अग्रवाल का। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, आप जहां भी बैठे हैं अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार आप डॉक्टर नरगेश अग्रवाल को जरूर कंसल्ट करें, इलाज आप चाहे जहां कराएं लेकिन कंसल्ट करिए, क्योंकि आपके यहाँ पे ओपिनियंस बिल्कुल करेक्ट मिलती है, कोई मतलब आपको इधर से उधर की बात नहीं है और बिल्कुल जेन्युइन जो डॉक्टर साहब की राय होती है वो सारे बच्चों को मिलती है और उसी के गाइडेंस में हम लोगों भी चल रहे हैं और आज तक हम वही गाइडेंस चल रहे हैं। आज मेरा बच्चा आपके सामने है और नॉर्मल बच्चे की तरह ये चल फिर सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत। इस बच्चे के साथ में इमोशनली अटैच्ड हूं बिकॉज इस बच्चे का जो मैंने जो स्टोरी सुनी मैं बता नहीं सकता, मैं उस रात सोया नहीं। सो एक अजीब सी भयावह स्थिति में से बच्चा निकला, तो एक पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अटैच था इस बच्चे के साथ, तो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया। दूसरा हमारे साथ में जो सिचुएशन थी ना, सबसे बड़ी तो स्किन की कंडीशन की थी, स्किन कंडीशन बिकॉज ऑफ द बर्न कॉन्ट्रेक्चर, बिकॉज स्किन ग्राफ्ट जगह जगह से लिया हुआ था बच्चे का, तो स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं थी। सो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, बट भगवान हमारे साथ थे, बच्चे की मेहनत, माँ बाप की मेहनत और हमारी किस्मत, तीनों ने मिलके काम किया, बच्चा अभी सब अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में हो, वहाँ जाएं, क्लबफुट का इलाज कराएं, क्लबफुट का बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हो, कोई भी किसी को भी दिखाएं, बट इलाज कराएं। ये सोच करके कि बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, बच्चा कभी चल भी नहीं पाएगा, बच्चा कभी ठीक तरह से या फिर विकलांग हो जाएगा, अपंग अपाहिज, ये शब्द क्लबफुट के लिए नहीं बने हुए हैं। क्लबफुट का बच्चा नॉर्मल तरीके से चल सकता है, नॉर्मल तरीके से सारी एक्टिविटी कर सकता है, सारी फिजिकल एक्टिविटी जो आप एक नॉर्मल बच्चे के साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो सब करे जो एक नॉर्मल बच्चा करता है, वो सब करेगा। केवल और केवल एक डेडिकेशन, डिवोशन, मेहनत की ज़रूरत है, जो आई थिंक हर माँ बाप की एक ड्यूटी होती है एक अपने बच्चे के लिए करना। तो मुझे लगता है कि आप इलाज कराएं, परेशान बिल्कुल ना हो, बच्चा ठीक हो जाता है। धन्यवाद।